तो कुछ इस तरह का आपको इसमें, अगर आपको पार्किंग का प्रॉब्लम है आपके घर पे, फिर भी आप इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि आपकी बैटरी इसकी निकल सकती है, तो आप आराम से इसको घर पे चार्ज कर सकते हो। आपको जो है इसमें वॉइस कमांड का ऑप्शन मिलने वाला है, देख सकते हो इतना कम EMI पे आपको मिलने वाला है यार, अब क्या चाहिए आप लोगों को। तो एक लाइक जरूर हो जाना चाहिए, इतनी अच्छी आपको इलेक्ट्रिक बाइक जो है आपको सिर्फ और सिर्फ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम लोग आ चुके हैं रिवॉल्ट के शोरूम में, और फिलहाल जो है इसका फुल वॉक अराउंड लेंगे, इसका किस तरह का कॉस्मेटिक है, किस तरह का कॉकपिट इसका होने वाला है, उन सभी चीज़ की बात करेंगे और इसका आज फुल रिव्यू भी करेंगे। बिना स्किप के चैनल के साथ बने रहो। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसका किस तरह का कॉस्मेटिक होने वाला है, और इसका आप लुक देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रिवॉल्ट की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। तो इसका फुल वॉक अराउंड लेते हैं हम लोग, और इसका किस तरह का साउंड है वो भी हम लोग सुनेंगे। इसमें आपको मोड भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह का इसमें आपको मोड मिलने वाला है, और इसका साउंड जो है वो किस तरह का आपको आएगा, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहो। ओके गाइस, इसका आप हेडलाइट देख लो, यहाँ पे आपको सामने रिवॉल्ट की यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है, और इसका जो DRL है कितना प्रीमियम लग रहा है, और साथ ही साथ जो है आपको लाइट का प्रोजेक्शन जो है बहुत ही प्यारी है। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें आपको मिलने वाला है, तो कुछ इस तरह आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का इसमें आपको लुक होने वाला है। ये जो हमारी इको फ्रेंडली बाइक है इसको आप ले जा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी है, और आपकी इलेक्ट्रिक बाइक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक में इंटरेस्टेड हैं तो जाइए और चेकआउट कीजिए, और आज के आज जो अपनी ड्रीम इलेक्ट्रिक बाइक बुक कीजिए। सबसे पहले सर, इसका ग्राउंड क्लियरेंस क्या होने वाला है? सर 114 mm है। 114 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होगा। सर इसका व्हील बेस क्या होगा, फ्रंट ना होने वाला है आपका, फ्रंट से रेयर का 1335 का होगा, तो 1335 mm का आपका इसका व्हील बेस होने वाला है। और चलिए इसका हम लोग ब्रेकिंग की बात कर ले, तो देख सकते हो आप लोग ब्रेकिंग जो आपका फ्रंट और रेयर दोनों में ही आपका जो है डिस्क मिलने वाला है। सर इसका जो बैटरी है वो कितने आपके पावर आने वाली है इसमें? बैटरी 72 वोल्ट की है, 45 एम्पीयर की है, और 21 kg की है। सर इसमें कौन सी बैटरी लगी हुई है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि अलग अलग बैटरी से डिपेंड करता है। ये लिथियम बैटरी है। लिथियम आयन बैटरी इसमें लगी हुई है। ओके सर, इसका मोटर जो आपका है वो कितना वोल्ट का वो आपको 3 kVA का मोटर है। 3 kVA आपका मोटर जो है आपका 3000 वोल्ट का आपको मिलने वाला है, मतलब बहुत ही अच्छी है, और इसका जो लिथियम आयन बैटरी इसमें आपको मिलने वाला है, तो आप खुद ही समझ सकते हो इतनी अच्छी बैटरी मिल रही है तो आपको कितना पावर होने वाला है। रीजनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आपको मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। अब चलिए मैं आपको उसका कॉकपिट दिखा दूँ किस तरह का इसका कॉकपिट होने वाला है। ओके गाइस, तो इसका आप कॉकपिट देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको राइट साइड हम लोग आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो इग्निशन स्विच है कुछ इस तरह का आपको होने वाला है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मोड वगैरह चेंज करने के लिए है। ये आपका फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड और थर्ड आपका हो गया। सबसे पहले इस मोड के बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आप चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो गाड़ी में एक इको मोड पहले से ही है, अब उसको चेंज करने के लिए 2 बार ही चेंज कर सकते हैं, 2 और 3। तो 2 में आप नॉर्मल पाइएगा और 3 में आप स्पोर्ट्स मोड पाइएगा। और सर यहाँ टी जो लिखा हुआ है ट्रिप चेंज करने के लिए। तो देख सकते हो कुछ इस तरह का जो है आपका, इसमें आप मोड चेंज कर सकते हैं। इकोनॉमी मोड जो है आपका पहले से सेट है, और सेकंड पे अगर करते हो और थर्ड पे करते हो तो आपका मोड चेंज होगा इकोनॉमी के अलावा, स्पोर्ट्स मोड और नॉर्मल मोड में आपका ये चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको इसका की दिखा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें काफ़ी फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो कुछ इस तरह का आपको जो है इसमें रिमोट मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी, इनफैक्ट कार वगैरह में जो आपका मिलता है रिमोट उससे काफ़ी अच्छी लग रही है, और काफ़ी कॉम्पैक्ट है तो बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे आपको रिवॉल्ट की जो आपको लोगो होती है वो इस तरह की आपको मिलने वाली है, और इसका आप फ्रंट लुक देख सकते हो, यहाँ पे आपको अनलॉक करने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका अनलॉक, और फिर इस पर आप अगर टैप करते हैं तो आपकी गाड़ी जो है लॉक हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इससे आपको इग्निशन हो जाता है स्टार्ट गाड़ी की, और ये आपका देख सकते हो GPS का है, तो इससे आप GPS अपने गाड़ी का ऑन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का जो है आपको की मिलने वाला है। अब सबसे पहले इसका कॉकपिट देखो, ये देखो जैसे का रिमोट है, यहाँ से मैं आपको सिर्फ यहाँ से इग्निशन दूंगा, और यहाँ पे आप देखना कितनी प्रीमियम लग रही है, मन बहुत ही प्यारी लग रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है। तो सबसे इसका रेंज कितना होने वाला है सर? एक बार फुल चार्ज करने पर आपको, आप इको मोड में हैं वन में, इसमें आपका स्पीड रहेगा 45, 100% बैटरी है, 140 किलोमीटर चलेंगे इको मोड में सर जी। और बाकी इसमें कौन कौन सा मोड है? और नॉर्मल मोड में आप चलाते हैं तो 65 का स्पीड पाएंगे और 90 किलोमीटर चलेगा। ओके। और स्पोर्ट्स मोड में अगर चलाते हैं तो आपको 80-85 की स्पीड पाएंगे, लेकिन 70 किलोमीटर चलेगा। अगर से पेट्रोल वाली गाड़ी में हम लोग गियर बदलते हैं, इस तरह से इसको बदल के चलाते हैं तो आपका हाई स्पीड रहेगा और 120 के 20 से अधिक नहीं जाएगा।
120 का आपको एवरेज देगा, हाँ हाई स्पीड बरकरार रहेगा। सर ऐसा भी कुछ इसमें सिस्टम है क्या, अगर मान ले कि अगर मेरा गाड़ी जो है कोई लेकर चला गया है और हम उसको चाहते हैं खुद से यहाँ से एक्सेस करके बंद करना, तो ऐसा कुछ ऑप्शन है? ऐप में है, आप मोबाइल से बंद कर सकते हैं। और सर इसका साउंड वगैरह किस तरह का? साउंड आप गाड़ी मोड चेंज है क्या? नहीं नहीं, गाड़ी में एक साउंड पहले से दिया हुआ है, ठीक है, और आप ओनर बनेंगे तो आपके ऐप से 3 साउंड और इसमें से निकलेगा जो आप जो चालू कर सकते हैं। ओके, तो एक साउंड जो है आपका इसमें परमानेंट मिलने वाला है, और अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं, इसको आप खरीद लेते हो, तो इसमें जो है आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके इसमें 3 साउंड जो है और यूज कर सकते हो। तो मैं इसका आपको साउंड ऑन करके दिखाता हूँ किस तरह का। इसका जो स्पीकर जो आपको है यहाँ पे लगा हुआ है कुछ इस तरह का, तो कुछ इस तरह का। तो इसमें जो है आपको कुछ इस तरह का जो है आर्टिफिशियल इसमें आपको एग्जॉस्ट साउंड मिलने वाला है जो कि अच्छी है, और इसका जो आप यूज कर सकते हैं और भी, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे आप इसको ऑन कर लेंगे तो 3 साउंड आप और इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसके कलर चॉइसिंग की हम लोग बात कर लें, इसमें आपको कलर 3 मिलने वाला है। सबसे पहला आपको ब्लैक हो गया, उसके बाद फिर हम लोग रेड देख सकते हैं, रेड यहाँ पे लगी हुई है। और वाइट की जहाँ तक बात करें, वाइट अभी हम शोरूम में अवेलेबल नहीं है, तो वाइट आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। तो कुछ इस तरह का आपको तीनों आपको कलर शो कर रहा है, कुछ इस तरह का आपको लुक होने वाला है तीनों का। और मतलब मॉडल की बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स सभी में सेम होगा, सभी में पावर भी सेम होगा, बस कलर डिफरेंस आएगा। और इसका मैं आपको प्राइसिंग दिखा दूं और इसका मॉडल दिखा दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिवॉल्ट आरवी 400 ब्लैक, रेड एंड वाइट। इसका आपको एक शोरूम भी सेम होने वाला है और ऑन रोड प्राइस भी जो आपका सेम होगा। तो इसमें जो आपका कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है, कुछ इस तरह का आपको तीनों कलर्स मिलने वाले हैं और तीनों का प्राइसिंग भी आपको सेम होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो शोरूम में कुछ इस तरह से आपको गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी, यहाँ देख सकते हो ब्लैक है, यहाँ रेड है। तो एक चीज मैं आपको मिस कर गया था, जो ये है कि अगर आप इसको पार्क कर देते हो, इसका जो व्हील है वो भी आपका लॉक हो जाता है। इनफैक्ट कोई अगर चाहता है इसको ले जाना तो नहीं ले जा पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और एक चीज और क्या था, आपको जो है इसमें वॉइस कमांड का ऑप्शन मिलने वाला है। अगर आप इसको ऑन कर लोगे, तो आप अगर इसको अपने ऐप से कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद जैसे ही आप बोलोगे स्टार्ट माई रिवॉल्ट, तो ये आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी। इतना अच्छा फीचर मिलने वाला है यार, बहुत ही अच्छी है ये। आपकी जो 2023 की जो लॉन्चिंग है, मतलब 2023 की जो मॉडल है, इसमें आपको ये फीचर मिलने वाला है। अगर आप मेरा पुराना वाला वीडियो देखे होंगे तो उस वाले में मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं था, बट इस वाले में जो है आपको ये सब फीचर मिलने वाली है। और कलर आप देख सकते हो सभी शोरूम में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। शोरूम डिटेल्स जो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, और एग्जीक्यूटिव का नंबर जो है वो भी आपको शो कर रहा है, तो जाइए और कॉन्टैक्ट कीजिए। और अपनी तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये कि इस बैटरी का अगर इसको बोलेंगे कि क्या चार्जिंग का टाइम लगने वाला है, तो बैटरी चार्ज करने में आपको 3 से 3.5 घंटे का आपको चार्जिंग टाइम लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे से आपका यहाँ पे पोर्ट लगता है चार्जिंग का। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका अगर चार्ज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसको आपके पास अगर घर में जगह नहीं है इसको पार्क करने की, कि अंदर नहीं ले जा सकते हैं चार्ज करने का, आपको वैसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसकी बैटरी जो है आप निकाल कर आराम से घर ले जाइए और वहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं। इसकी बैटरी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी आपको कुछ इस तरह का आपको होने वाला है। यहाँ पे आपको आरवी 400 का फुल बैचिंग मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टिकिंग रिवॉल्ट का। और यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने बताया गाड़ी में, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का आपको पोर्ट मिलने वाला है। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो बाइक है, बाइक में भी सेम यही पोर्ट में आपको मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह का आपको फीचर होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना किसी प्रॉब्लम के इसको ले जा सकते हो। अगर आपको पार्किंग का प्रॉब्लम है आपके घर पे, फिर भी आप इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि आपकी बैटरी इसकी निकल सकती है, तो आप आराम से इसको घर पे चार्ज कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। अब हम बात करते हैं इसका बुकिंग डिटेल्स का, अब क्या चाहिए आप लोगों को, तो एक लाइक जरूर हो जाना चाहिए। बुकिंग डिटेल्स मैं आपको बता दूं, बुकिंग के लिए आपको जो मिनिमम बुकिंग अमाउंट जो आपको होने वाला है वो आपको 2499 होगा, यानी 2499 रुपीज। तो चलिए इतना डिटेल्स तो मैंने आपको दे दिया, अब चलिए हम लोग बात करते हैं फुल फाइनेंस डिटेल्स की। अगर इसका फुल फाइनेंस वीडियो आप देखना चाहते हो तो आपको आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, तो जाइए और चेकआउट कीजिए। और यही कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला है। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, और एंड करने से पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ।